हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है संदीप रामगढ़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोरिंग ऐसा मैन फिशिंग। दोस्तों, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि आप गोल्ड फिश टैंक बनाइए और सिंपल सा बनाइए, हम लोग को दिखाइए। तो मेरा जो गोल्ड फिश टैंक था दोस्तों, उसको मैं आज साफ करने वाला हूँ और थोड़ा सा नया और सिंपल तरीके से मैं बनाने वाला था कि आप लोग कुछ आइडिया मिले और आप लोग भी सही से बना पाओ। और आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें क्या एडिशनल चीज़ मैं डालने वाला हूँ और गोल्ड फिश का भी एक लुक आप देख सकते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये गोल्ड फिश का फिश टैंक आप देख सकते हो, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं और ये काफ़ी टाइम हो चुका है साफ किए हुए, ऑलमोस्ट 25 डेज हो चुके हैं मुझे। तो यूजुअली मैं 15 डेज में साफ करता हूँ, लेकिन मुझे टैंक इतना गंदा नहीं लगा तो इसलिए मुझे लगा कि चलो साफ कर लेते हैं अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका था 25 डेज। तो नीचे मैंने जो है कारपेट ग्रास लगाया हुआ था जो कि प्लास्टिक का है, आर्टिफिशियल वाला मैंने लगाया हुआ था इसमें। और आज हम अपने सारे गोल्ड फिश को इसके अंदर जो है ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले पानी ले लेंगे यहाँ से थोड़ा सा और इनको ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों, आप सारे प्लांट्स को देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो किए हैं विदाउट एनी सब्सट्रेट, एंड रूट्स का डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। तो यहाँ से इनको मैं एक एक करके निकालूंगा दोस्तों, और फिर अपन जो है इसको क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है ये भी रखा था हमारा वाटर हाइसिंथ। तो मेक श्योर कि गोल्ड फिश के जो टैंक है उसमें छोटे प्लांट्स बिल्कुल भी मत रखें, क्योंकि वो लीफ खा जाते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि बड़े बड़े प्लांट्स रहे, बड़े बड़े लीफ वाले रहे, जैसे कि मेरे पास है। तो इसमें इनको बिल्कुल चांसेस नहीं मिलता खाने का। तो यहाँ पे मैंने एक हाइड्रिला भी रख दिया था, लेकिन इसको भी मैं निकाल के यहाँ से अलग जगह रख दूंगा। तो यहाँ पे हम नहीं डालने वाले, और ये पूरा क्लीन हो चुका है। और अभी मैं आपको फिश की क्वालिटी दिखाता हूँ। तो एक फिश उठा लिया, आप देखिए कितना एक्टिव है, और इसकी साइज इतनी छोटी थी दोस्तों, बहुत ही छोटी थी, ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे उसमें आपको दिखेगा इनके साइज़ कितने बड़े कितने छोटे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो सारा चीज़ मैंने निकाल दिया है और इनको अभी क्लीन करना, आप देख सकते हो कितनी गंदगी है दोस्तों। ये आर्टिफिशियल कारपेट ग्रास का जो मैट है दोस्तों, ये आप लोग को लगता होगा कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है इसको साफ करने में, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, ये इतना ईजी है, ईजिली क्लीन हो जाता है। आपको देख के लग रहा होगा कि काफ़ी टफ है, अंदर अंदर फंसा रहेगा, लेकिन बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। और प्लस दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का लेना, सस्ती क्वालिटी का बिल्कुल भी मत लेना। और वैसे तो प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करना फिश टैंक में रिकमेंडेड नहीं है, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इससे इतना हेल्प होता है ना, उनका जो वेस्ट होता है वो यहाँ पर फंस जाते हैं और गोल्ड फिश जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, और पानी भी क्लीन रहता है दोस्तों, ट्रस्ट मी। तो ये मैंने क्लीन कर लिया है और उसको थोड़ा धूप में सुखा रहा हूँ मैं फिलहाल। तो और अब हम कर लेंगे बाकी सारे काम। ये थोड़ा फट गया था बट स्टिल ओके, जुड़ा हुआ है तो मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ। और अभी जो है इसमें फिनिशिंग दे देंगे अच्छी तरीके से। तो ये मैंने इसलिए बनाया ताकि इसके अंदर से गोल्ड फिश जो आराम से आर पार हो सके। नाउ दिस इज़ फुली रेडी दोस्तों, अभी मैं इसमें जो है आराम से जो है सारी चीज़ें रख दूंगा, लेकिन बहुत ही कम दोस्तों। गोल्ड फिश के अगर आप टैंक बना रहे हो, कम से कम चीज़ें रखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दें उनको। तो इस टैंक में मैं वही करने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं हमारे प्लांट्स की। हम बिल्कुल बड़े बड़े प्लांट्स रखेंगे। ये प्लांट्स जो गोल्ड फिश के टैंक में था, तो देख सकते हो आप, मैं इसका जो है बिल्कुल नीचे का रूट दोस्तों इतना लंबा हो जाता ना, तो उनको आप तोड़ के आराम से फेंक सकते हो, या अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो वहाँ पर आप लगा सकते हो। तो देखिए इतने सारे रूट्स हैं, इनमें से भी निकलते हैं, लेकिन मुझे चाहिए नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत है, तो मैं इनको नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जस्ट ऊपर के बर्ड्स जो नए नए निकले हैं, जैसे कि ये, इनको तोड़ तोड़ के मैं दोबारा लगाने वाला हूँ ताकि फिर से रीग्रो करें और बहुत लंबा ना हो। तो बाकी जो रूट्स आप देख रहे हो उनको मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ। तो इस तरीके से मुझे 5-6 बर्ड्स मिल गए, देखिए ये सब मुझे यूज़ नहीं करना फिलहाल। तो टोटल मुझे मिल गए हैं 5, आप देख सकते हो, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इनको यहाँ पे लगा लेंगे इस बार, और रूट्स तो वैसे भी है और भी जनरेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। एक साथ मैंने 5 बर्ड्स रखे हैं और रूट्स सारे फेंक दिया जो लंबे लंबे एक्स्ट्रा वाले थे। और यहाँ पे वाटर हाइसिंथ लगा देंगे, तो ये भी जो है उसी दिन मैं लेकर आया हूँ। तो इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं दोस्तों, इसको तो ऊपर तैरना ही है वैसे भी, एक छोटा वाला भी है, बस 2 ही रखते हैं और ज़्यादा नहीं रखेंगे। और दोस्तों मेरे पास साथ ही में ये जो हाइड्रिला था, इनको मैं मॉली टैंक में ट्रांसफ़र कर दूँगा। नाउ दोस्तों, ये वाला जो हमारा प्लांट है काफ़ी लंबा वाला, तो इसको मैं तोड़ तोड़ के नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इसका जो रूट है ये काफ़ी बड़ा है, आई मीन जो स्टेम है इसका वो काफ़ी बड़ा वाला, तो मैंने इसको इस तरीके से फंसा दिया है और मैं बिल्कुल छेड़खानी नहीं करना चाहता था। तो यहाँ से ये निकलेगा, उसके प्लांट के ग्रोथ भी आप देख सकते हो कितना अच्छा हुआ है। तो ये वैसे भी एक दिन में सेट हो जाएगा। तो मैंने पत्थर से इस तरीके से इसको फंसा के रखा ताकि ये निकले ना पानी डालने के बाद।
तो यस दोस्तों, ये जो है हमारा टैंक बिल्कुल सेट हो चुका है और अभी हम इसमें पानी डाल देंगे और देख लेंगे। दोस्तों ऑलमोस्ट जो है 70% पानी भर चुका है, अभी हम अपने फिश को क्वारंटाइन कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ का टेम्परेचर चेक करूँ तो बेसिकली ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस है। बाहर का पानी गर्म है, अंदर का पानी ठंडा है, तो हमें कम से कम 2 घंटे के लिए तो रखना ही पड़ेगा। तो मैं ये एरेशन ऑन कर देता हूँ यहाँ पे और जो है सोल्यूशन डाल देता हूँ। तो जब तक कि मैं वापस आऊँगा तब तक ये सोल्यूशन भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिलहाल इनको ऐसे ही रख देते हैं और हम चले जाते हैं, फिर आते हैं 2 घंटे के बाद और 2 घंटे के बाद इनको यहाँ रिलीज़ कर देंगे। दोस्तों 2 घंटा हो चुका है और अभी ये टाइम है इनको यहाँ पे छोड़ने का। तो मैं एक काम करता हूँ, पानी पूरा निकाल कर इन फिश को यहाँ पे सिर्फ छोड़ेंगे। तो इनको मैंने फाइनली छोड़ दिया और टेम्परेचर बिल्कुल मैच हो चुका है, इसके वजह से जो आप फिश को देख सकते हो एकदम एक्टिव है। तो दोस्तों जब भी वाटर चेंज करोगे एकदम से मेक श्योर करना कि आप जब भी वाटर चेंज करके फिश को दोबारा डाल रहे हो टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहे। अगर आपके टेम्परेचर में ह्यूज डिफरेंस है तो डेफिनेटली आपके फिश जो स्ट्रेस में आएंगे और धीरे धीरे मरने लगेंगे। तो इसलिए मेक श्योर करना कि टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहे और उसके बाद जो फिश को आप अपने फिश पॉन्ड या फिश टैंक में रिलीज करें। तो दोस्तों प्लांट्स को वैसे भी लगाने के बाद आप वैसे ही छोड़ सकते हो क्योंकि वो एक दिन के बाद तो एडजस्ट हो जाते हैं, एक दिन भी नीचे उनको कुछ घंटों के बाद। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिंपली जो है आपके गोल्ड फिश के टैंक का सेटअप कर सकते हो और बहुत ही प्यारा लगता है और उनको ज़्यादा स्पेस अगर आप सेटअप कर रहे हो तो। और दोस्तों टेक केयर करने के लिए ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। और देखिए मैंने यहाँ पे फिल्टर भी नहीं लगाया और ना ही मैंने कोई वाटर पंप लगाया क्योंकि आउटडोर में है, काफ़ी सारे प्लांट्स है, पानी बिल्कुल साफ है, पानी की क्लैरिटी अच्छी है, पानी में ना कोई इम्प्योरिटीज़ है जिससे हमारी फिश मर सकती है। तो यस सब कुछ सही है। एंड ये होल बनाने का रीज़न यही था कि फिश जो है यहाँ से मतलब गोल्ड फिश आर पार हो सके एंड ये काफ़ी अच्छा लुक भी देता है। तो अब हम इनको अपना होममेड फूड दे देंगे। तो उस अगर आपने मेरा होममेड फूड बनाने का जो प्रोसेस है वो नहीं देखा तो जाइए और देख सकते हैं मैंने बनाया हुआ है किस तरीके से, वो आप चेक कर सकते हो। तो इनको खाना दे देंगे, खाना खा लेंगे ये, और ये फूड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्थी है। और इसके बाद मैं आपको दूसरा नज़ारा दिखाता हूँ। हाय दोस्तों गुड मॉर्निंग, ये है सुबह का नज़ारा, जस्ट उठकर आया हूँ मैं अभी और यहाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा फॉग है। आज सुबह तो बहुत ही ज़्यादा था, हर जगह धुआं धुआं ही है ना, बिल्कुल फॉग है। एंड हमारे सारे के सारे फिश सो रहे हैं, इनको अभी जगा देते हैं। और ये हमारा कल का सेट किया हुआ गोल्ड फिश टैंक है, ये भी दिखाता हूँ। एंड दोस्तों ये देखिए वाव, और फिश तो जैसा लग रहा है कि मतलब और चमक रहे हैं। और देखिए प्लांट्स मेरे, सुबह का नज़ारा है, सब सेट हो गए राइट, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एकदम इतना सही रखा है मैंने और ये टैंक सही में बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे सिंपल जो है सेटअप कर सकते हो दोस्तों आराम से, आप भी ऐसा ही सेटअप कीजिए और देखिए कितना इफेक्टिव होता है, क्योंकि जगह भी है, दिखने में भी अच्छा लगता है। और ये प्लांट्स रहेंगे ना तो आपको फिल्टर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ट्रस्ट मी आप आराम से रख सकते हो। बहुत लोगों का सवाल होता है कि गोल्ड फिश के लिए आप क्या ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते हो, मैं बोलता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं इसी तरीके से रखता हूँ। आप देख सकते हो मेरे फिश टैंक्स एंड पॉन्ड्स में किसी में भी यूज़ नहीं करता हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, ना ही फिल्टर और ना ही कोई ऑक्सीजन पंप। तो बस दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही, अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। टाटा बाय बाय।